तो देखो, एक चौथी फेल आम आदमी है जिसकी एक बीबी या दो बेटियां हैं। वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन राजकुमार राव जैसे दिखने वाला एक लड़का आके उनकी जिंदगी में उंगली करने की कोशिश करता है और जाने अनजाने में पेल दिया जाता है। अनजाने में पेल दिया जाता है उसकी बीबी और बेटी के द्वारा। शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जिसको ये स्टोरी के बारे में पता नहीं होगी। हाँ, मैं दृश्यम मूवी की बात कर रहा हूँ जिसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है। आज हम उसी की बात करेंगे। तो क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं RDXS व्यू। बाकी सब तो ठीक है, पर दो सवाल मन में आता है। पहला सवाल ये कि क्या पार्ट 2 की सच में जरूरत थी? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों हाँ? इसका जवाब देगा मैं आगे वीडियो में, देगा, बने रहो। और दूसरा सवाल, बैकवर्ड बॉलीवुड के दौर में साउथ से कॉपी की गई मूवी जो ऑलरेडी OTT पे अवेलेबल है, उसकी स्टोरी को लोग क्यों देखेंगे? इसका जवाब है 2015 में जब दृश्यम आई थी तब शायद ही किसी को पता होगा कि मलयालम मूवी की कॉपी है, और मलयालम वाले दृश्यम OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने के बावजूद लोग इस वाली दृश्यम से कनेक्टेड थे, तो इसका पार्ट 2 लाना जरूरी था। लोग इसको देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चल रहा है। मलयालम वाली दृश्यम 2 और हिंदी वाली दृश्यम 2 की कंपैरिजन करें तो स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट इसलिए कि हिंदी वाले में कुछ सीन्स काटे गए हैं जो चलता है, स्टोरी में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी स्टोरी की बात करें तो बिल्कुल सेम। अब हम आ जाते हैं पहले सवाल के जवाब पे, क्या सच में जरूरत थी पार्ट 2 की? इतना बढ़िया एंडिंग होने के बावजूद ऐसा क्या रह गया था जो पार्ट 2 लाना पड़ा इसका? तो उसका जवाब है पार्ट 2 की एंडिंग पार्ट 1 की एंडिंग से और भी ज्यादा बेहतर हो इसलिए। हाँ, भले ही साउथ का रीमेक हो फिर भी देखने में मजा आया। ऐसे खड़े होकर ताली बजा रहा था मैं, क्या बेहतरीन एंडिंग है। मतलब ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। कतई विन डीजल की याद दिला दी सच में। ऐसे शॉटगन लेके अपनी फैमिली को बचाने के लिए सबके पीछे तो नहीं भागता, पर अपने साथी दिमाग से जो जो कांड करता है भाई, देख के मजा आ जाता है सच। सवाल जवाब खत्म, अब पूरी मूवी की बात करते हैं। ज्यादा कुछ बता दूंगा तो स्पॉयलर्स हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो देखो, पहले पार्ट में विजय अपनी फैमिली को बचा तो लेता है, पर सच छुपाई छुपती नहीं, उसी आस को लेके केस रीओपन होता है और सारे इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखा जाता है एक नए और कूल पुलिस वाले के अंडर में, जिसका रोल अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर को काफी तगड़ा दिखाया गया इसमें, जिसको देख के लगता है कि हाँ, चौथी फेल विजय से 2 कदम की आगे की सोच रखता है और जो विजय और उसकी फैमिली का सच पब्लिक के सामने बाहर ला सके। पूरी मूवी को ध्यान से देखना क्योंकि मूवी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसको पहले देखोगे तो लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी, पर लास्ट तक आते आते वो सब चीज किसी न किसी से जुड़ी होती है। और एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छा काम किया इसमें। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बढ़िया था, स्पेशली अक्षय खन्ना वाली। मूवी में जो कुछ है इसका स्टोरी ही है, तो सारी चीजों को ध्यान से देखना। मूवी को देखने जाओ, पूरी फैमिली के साथ जाओ, निराश नहीं करेगी ये मूवी। अगर नहीं जाना है तो सेम स्टोरी डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ OTT पे पहले ही अवेलेबल है मलयालम में। सबटाइटल लगाओ, मस्त घर में देखो, लेकिन ये स्टोरी देखो। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताओ। रीमेक होने के बावजूद बाकी बॉलीवुड मूवी से इसने बहुत ही बढ़िया काम किया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।